फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन होता है। यह फ्रेज तो आपने कई बार सुना होगा, राइट? लेकिन इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? एक्चुअली माना जाता है कि अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि हमने उनसे पहली बार मिलकर क्या कहा या क्या किया, लेकिन उन्हें ये ज़रूर याद रहता है कि उन्हें हमसे मिलकर कैसा लगा। जी, ये बात सही है एंड आई एम श्योर आप सभी मेरे साथ इस बात पर अग्री करते हैं। इसलिए किसी पर पहली मुलाकात में ही एक अच्छा इम्प्रेशन जमाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू को लेके हो, या फिर कोई क्लाइंट की मीटिंग हो, या फिर आप कोई डेट पर जा रहे हो। और यह करने के बहुत सारे तरीके आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे और बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं इस टॉपिक पर, लेकिन आज मैं आपको कुछ नए अपडेटेड तरीके बताऊंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पर भी एक बेहतरीन इम्प्रेशन जमाने के लिए। हमें नए तरीके सीखने होंगे ताकि हम नए ज़माने के साथ आगे बढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो कहा जाता है कि किसी से मिलने पर स्माइल कीजिए, लेकिन कैसी स्माइल? कैसी स्माइल? ऐसी स्माइल, आधी अधूरी सी, या फिर ऐसी जैसी आपकी स्माइल आपके चेहरे पे चिपक गई हो? ओके, ये दोनों तरीके प्लीज़ आप ना अपनाएं। जब आप स्माइल करें तो प्लीज़ एक कॉन्फिडेंट और सिंपल से स्माइल करें, कुछ ऐसे। आई एम श्योर मुझे कुछ लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि क्या जेनी मैम नौटंकी कर रही हैं या ड्रामा कर रही हैं, ऐसे कह सकते हैं, बट हु केयर्स भाई। मुझे अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट्स को अगर कुछ समझाना है तो मैं क्लियरली समझाऊंगी, है कि नहीं? तो स्माइल ऐसी दोस्तों जो किसी को अनकम्फर्टेबल ना करे, या ये ना सोचने पर मजबूर करे कि अरे इन्हें क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए हैं। सो स्माइल बट कॉन्फिडेंटली, और हाँ, जेन्युइन स्माइल दें, ऐसे नहीं जैसे आप किसी पर मेहरबानी कर रहे हों। ओके, और पूरे समय स्माइल मत कीजिए। मतलब अगर मैंने कह दिया नहीं जेनी मैम ने कहा है स्माइल करो, तो पूरे टाइम स्माइल नहीं करना। आपको एक न्यूट्रल लुक रखना है जिससे आप किसी सामने वाले को अनकंफर्टेबल भी ना करो। अगर आप सारा समय स्माइल करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप बिल्कुल काम के बारे में सीरियस नहीं हैं। सो स्माइल जेन्युइनली एंड डोंट ओवरडू इट। मतलब बिना वजह ज़्यादा स्माइल ना करें। अब नेक्स्ट बात हो सकती है जैसे आपके हाव भाव के बारे में। ओके, हाव भाव के बारे में मतलब आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं। क्या आप बात करते समय हाथों से नृत्य करते हैं? ऑलमोस्ट कुछ इस तरह। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ओके, अगर ऐसा है तो फिर आपको मैं कहूँगी कि रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। जेस्चर्स यानी हाव भाव कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें अगर आप हर बार करते रहेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपसे बात करने वाले व्यक्ति का ध्यान आपकी बातों से हटकर सिर्फ आपके हैंड मूवमेंट्स पर रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए, और वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। हाँ, इसलिए बात करते समय आप हैंड मूवमेंट्स कम करें, लेकिन थोड़े कंट्रोल्ड फॉर्म में रखें। इससे आपके कम्युनिकेशन में हेल्प हो जाएगी और आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका ध्यान भी नहीं भटकेगा। तो नेक्स्ट, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि किसी से मिलने पर हम उन्हें अपना नाम, अपनी पहचान बताते हैं, है ना दोस्तों? लेकिन हम यह कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हाय, माय नेम इज़ सिद्धार्थ, या हेलो, माय नेम इज़ सिद्धार्थ। ओके, अब बात यह है कि कम्युनिकेशन की स्टाइल्स बदलती रहती हैं, इसलिए माय नेम इज़ सिद्धार्थ ऐसे इंट्रोड्यूस करना बहुत ही कॉमन हो गया है। आप कह सकते हैं आई एम सिद्धार्थ, ये काफ़ी है। और हाँ, अगर आप हैंडशेक करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बस एक फॉर्म हैंडशेक देकर आप कहें हाय सिद्धार्थ,
आप फॉर्मल सिचुएशंस में हेलो भी कह सकते हैं. दैट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है, अब अगर हैंडशेक की बात हो रही है तो ये याद रखिएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह हैंडशेक ना करें जैसे सामने वाले को लगे कि बहुत ही मतलब अनइंटरेस्टेड आदमी है ये, या मतलब दो फिंगर वाली या चार उंगलियों वाली कमज़ोर हैंडशेक्स, या फिर इतने ज़ोर से भी किसी का हाथ ना पकड़ें कि उन्हें दर्द होने लगे. याद रखिए, प्लीज़ हमेशा हैंडशेक कॉन्फिडेंटली करें और ऐसे ना करें जैसे आप किसी को सामने वाले को हर्ट कर रहे हों, आप में कोई या तो फिर आप में कोई जान ही ना हो. सामने वाले पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे आप गुस्सा निकाल रहे हैं. और हैंडशेक देते हुए सामने वाले के साथ एक आई कांटेक्ट बनाए रखिए, इससे आपकी कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई देती है. एंड आई कांटेक्ट्स आर टू गुड. अब नेक्स्ट है आपका बर्ताव. कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे बात कर रहे हों, चाहे वो कोई क्लाइंट हो या कोई नए दोस्त हो, हम सिर्फ उनके साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, है ना, और बाकियों के साथ बुरा या अनुचित या रूड कह सकते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं. आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब आपसे कोई पहली बार मिलता है तो वो आपके बिहेवियर के हर एस्पेक्ट को नोटिस करते हैं. वो पूरी तरह से आपको ऑब्जर्व करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में एक नए क्लाइंट के साथ लंच करने गए हैं, ठीक है, और आप बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से, डिसेंटली. आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं और ये डील तो पक्की हो ही गई समझो, और ये हमारी कंपनी को ही मिलेगी. लेकिन जब आप वेटर को बुलाते हैं तो आप कुछ इस तरह बुलाते हैं, जैसे कि ए शुशु, ओए ए छोटू. आप ऐसे करेंगे तब तो गई भैंस पानी में. इमीडिएटली सामने वाले के बारे में सारी इम्प्रेशन जो आपने जमाई थी ना, वो टाइटें फिस होने वाली है. तो क्या फ़ायदा हुआ इतना सारा तामझाम करने का भाई? आपके क्लाइंट ने वेटर के साथ आपका बर्ताव देख लिया, आप किस तरह से बुला रहे हैं, आपके बारे में अपनी राय बदल दी होगी उन्होंने तब तक के, तो क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आप सिर्फ मतलब के लिए अच्छे से पेश आ रहे हैं. और यह बात उन्हें शायद सही ना लगे, भाई मुझे तो बिल्कुल गलत लगेगी, इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए. इसलिए सभी के साथ रिस्पेक्टफुली यानी आदर के साथ पेश आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन पर एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ सकें. उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कम ऑन, बी अ गुड ह्यूमन बींग यार, मतलब एक अच्छे इंसान बनो. और एक आखिरी बात जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है, वो यह है कि जब आपसे कोई पहली बार मिले, जैसे किसी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या यूं ही आप किसी नए व्यक्ति से इंट्रोड्यूस होते हों, तो आपको उन्हें अपने जेन्युइन बिहेवियर से इम्प्रेस करना चाहिए. इसका मतलब है कि आप किसी और की नकल ना करें. ऐसा कई लोग करते हैं और मैंने देखा है, और उनकी बातों पर भी ध्यान देकर आप उन्हीं की तरह बात करने लगते हैं. ऐसा ना हो कि वो आपसे बात कर रहे हों और आपने फ़ोन में या तो बिज़ी हैं या तो आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं. इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना करें, और इस वजह से आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे करके सामने वाले को तो लगेगा ही कि आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं. तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप उन पर ध्यान ना दो या तो फिर नकल करो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और आपका इम्प्रेशन जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो ही जाएगा. इसलिए हमेशा जब आपसे कोई बात करे तो उन पर ध्यान दें, उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं. जैसे मैंने पहले कहा कि आई कांटेक्ट भी बना कर रखें. अगर आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका उन पर अच्छा ही इम्प्रेशन जमेगा, और साथ ही साथ लोग आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे. वो कहते हैं ना कि आप अच्छी तरह से पेश आओ तो सामने वाले भी अच्छे से ही पेश आएंगे. तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से कुछ अच्छे पॉइंट सीखने मिले हैं. और मैं जानती हूँ कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें ये ऑलरेडी पता है, लेकिन पता होने के बावजूद क्या आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में? अगर नहीं
तो क्या फ़ायदा ऐसा ज्ञान रखने का जब तक कि आप उसे यूज़ ही ना कर पाए अपने रोज़मर्रा के जीवन में। इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपने ये अभी से फॉलो करना शुरू कर दिया तो आई एम श्योर लोगों को आप बहुत पसंद आएंगे और इम्प्रेशन भी अच्छी जमेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। और हाँ, मैं कमेंट्स का वेट करूँगी, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं जल्द मिलूँगी आपको एक और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रखें। बाय।